देश में अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि आरबीआई के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल खान ने इंदौर में किया है। वे दोपहर न्यूज से किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। अगर आप यहाँ खजराने के लिए पूछते हैं, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ शहर के लिए, तो इधर तो 70% करीब हुआ है और बहुत अच्छा रहा है। लेकिन हमारी जो कोशिश थी, जो हमारी मेहनत थी कि किसी न किसी ढंग से जो है, कोई भी, चाहे वो किसी पार्टी को दे, किसी भी, चाहे कांग्रेस को दे, चाहे बीजेपी को दे, या किसी को भी, किसी भी संगठन को दे, वो अपने मत का जरूर इस्तेमाल करें, ये हमारी आज तक की कोशिश थी और हम उसमें कामयाब हुए हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश में इस चीज़ के लिए घुमा हूँ, भटका हूँ, और मैंने हमारी तरफ से लोगों को यही समझाया, आप सोच समझ के अच्छी तरह अपने दिल दिमाग से इस चीज़ को नज़रअंदाज भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, कोई भी अपने वोट को दाया नहीं करें। योगदान को देखते हुए क्या लगता है कि मतदाता का रुझान किस तरफ जा रहा है? इस मरतबा मैं अभी इस वक्त मेरे मुंह से बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन जहां तक 99% मेरे को उम्मीद यही लग रही है कि बनना सरकार एनडीए की है। तो यूपीए ने में जब देखा जा रहा है, एनडीए में जो भाषणबाजी हो रही है उससे आवाम में, पूरे देश में एक आक्रोश है, उसको लेकर आपका कहना सही है और बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं, हमारे हाईकमान और हमारे जो केंद्र मंत्री हैं, रामदास आठवले जी आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राष्ट्रीय महासचिव जो है मोहन पाटिल साहब जो है, डॉक्टर मोहनलाल पाटिल साहब जो है, जो भोपाल में, मैं इन लोगों के बिना सलाह मशवरे के मैं कुछ ऐसे बात नहीं करना चाहता, ना कोई ऐसी टिप्पणी करना चाहता हूँ जो मेरे अधिकार में नहीं है। थोड़ा सा आखिरी सवाल रहेगा, आरपीआई के कहीं भी इतना बड़ा चुनाव हुआ, कहीं कोई नाम नहीं आया, उसकी क्या वजह रही? क्या आपने लड़ने से मना किया या कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, और कितने मध्य प्रदेश में खड़े किए थे? एनडीए की तरफ से हमारे को जो है, मैं साफ अल्फाज में आपको क्लियर कर दूँ, हमको बीजेपी ने पहले तो हमारे को बोला था कि ठीक है, आप उनकी सीटों पर खड़े कर लो, सब जगह पर खड़े कर सकते हो आप अपने। बाद में उनकी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से हमको आदेश आया कि आपने जो भी कैंडिडेट खड़े करें, इसके बाद आप उनको रुकवा दें, इसके आगे आप कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करें। और ये इन्फॉर्मेशन मेरे को दी गई, उसके बाद से मैंने उस चीज़ को रोक दिया। देखने में आया, जब भी हमारा चैनल आपके पास आता है, आपका रुझान एनडीए की तरफ जाता है। ये मतदान जो हुआ, मुस्लिम मतदाता जिस ढंग से बाहर आए, ये रुझान वोट ऑफ परसेंटेज जहाँ मुस्लिम इलाकों में 70% हुआ है, ये किस तरह फूट गया हो? ये आप दोनों चीज़ें इसको आप सोच सकते हैं, इसका बेनिफिट जो है वो एनडीए को भी जा सकता है। ज़्यादा अगर परसेंटेज में, अगर इंडिया में पूरे सब जगह से अगर ज़्यादा परसेंटेज में होता है तो उसका बेनिफिट एनडीए को ही जाएगा। और लोगों को जो है, इस मतलब जो सोच है, जो लोगों की सोच है वो ये बनी हुई है कि हर हाल में, मतलब मुल्क को मजबूत बनाए रखने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाए रखने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी सरकार बने वो इस चीज़ को इस मरतबा ज़्यादा ध्यान दे, ऐसा मुस्लिम मतदाताओं ने भी बोला है कि हम उसी कंडीशन में एनडीए से जुड़ेंगे अगर वो जातवाद का मुद्दा लेके नहीं चलती है, सबको एक साथ लेके चलती। आखिरी सवाल इकबाल साहब, वहशी जबान और गंदी जबान प्रधानमंत्री पद का आदमी बोलता है, लोगों के दिलों को तकलीफ पहुँचती है, वहीं एक और आप मुस्लिम भी हैं, क्या एक प्रधानमंत्री को इस अल्फाजों को, जबान को बोलना चाहिए क्या? नहीं, कुछ बातें जो आज हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उसको जैसा लोगों ने व्हाट्सएप पे या इस पे उस पे जो कुछ बताया है, ये हमारे मुल्क की बेइज्जती है, ना कि नरेंद्र मोदी की। तो फिर मोदी जी क्यों होना? ये चीज़ें जो है, हर आदमी अगर बारीकी से दिमाग से सोचे, मुल्क के लिए सोचे, वो कुछ गलती है हमारे प्रधानमंत्री से देश भक्त हमारे लोग, तो यही गलती तो है, जहाँ उन्होंने जैसे गांधी जी के बारे में जैसा उन्होंने बताया, जैसे ये भोपाल में जो सांसद के लिए खड़ी हुई, क्या नाम, प्रज्ञा ठाकुर, और उसने जो गांधी जी को जिसने मारा, वो आतंकवादी जो था, इन सब चीज़ों को लेके ये यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री की गलती है, इन्होंने गलत लोगों को, कुछ गलत लोग इसमें है। प्रज्ञा ठाकुर कह रही मेरी बदुआओं से हेमंत करकरे मरे, तो क्या हेमंत कर इसमें प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ हूँ इस मामले में, उन्होंने बहुत गलत बोला है, हमारे आरपीआई ने भी उसका ऑब्जेक्शन उठाया,
केंद्र मंत्री रामदास अठावले जी ने आप भी बोला। एक तरफ इकबाल साहब बोल रहे हैं हम मजम्मत करते हैं उनकी जबान की, वो प्रधानमंत्री वाकई गलत है, फिर डिमांड जिसकी जबान अच्छी जहाँ जहन अच्छा नहीं जिसका पेट अच्छा नहीं वो आप उसको प्रधानमंत्री क्यों पसंद करना चाहते हैं? जहाँ वो गलत है मैं उसको गलत बोल रहा हूँ, जहाँ उनमें अच्छाई है वो अच्छा ही बात बोल रहा हूँ, लेकिन सारे सब बातों को देख के हमें ये देख के चलना, सबसे बड़ी उनकी कमजोरी ये कि उन्होंने सब जात वालों को अल्पसंख्यकों सबको ध्यान नहीं रखा। सीधी सी बात है, आगे वो ध्यान रखेंगे ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। सीधी सी बात है, रामदास अठावले को कहीं ना कहीं मंत्री पद का लालसा को देखते हुए शायद आपका रुझान हो जा रहा है। नहीं आज भी वो तो मंत्री, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, वो तो आज भी केंद्र में जो है। अभी तो चुनाव है, मतदान है 23 के बाद, अब उसके बाद जो है अगर ये आते हैं एनडीए में जो है, एनडीए सरकार बनती है तो कैबिनेट मिनिस्टर उनका बनना थे।